गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास. और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच. आई हैव ट्राइड टू कवर द फिगर्स ऑफ स्पीच इन अ वेरी ईजी मैनर. एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी लिटरेरी डिवाइसेस. एंड इन केस आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन फॉलो मी एट माई सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर टू. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन फॉलो मी एट व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू फील लाइक. सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटररी डिवाइसेस, तो लिटररी डिवाइसेस बेसिकली क्या होते हैं? लिटररी डिवाइसेस आर, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि जब स्मॉल वर्ड्स को हम यूज करते हैं बिग आइडियाज जनरेट करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं लिटररी डिवाइसेस. अब ये जो लिटररी डिवाइसेस हैं, ये बहुत असेंशियल है लर्न करना. एंड आपकी रीडिंग को, जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और फन एलिमेंट जो है उसमें ऐड कर देते हैं. तो लिटररी डिवाइसेस जो है, इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करना, या जो रीडर्स है, जैसे आप लोग हो, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो लिटरेचर का, तो उसमें जो है रीडर की अटेंशन ड्रॉ करना, एज वेल एज रीडर जो है बाकी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जो है एक उत्सुक रहे, उसके मन में एक मतलब फीलिंग हो हैप्पीनेस की या फन की, तो वो चीज़ें जनरेट करना लिटररी डिवाइसेस का काम है. एंड लिटररी डिवाइसेस स्टार्ट करते हैं अब. तो फर्स्ट लिटररी डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, दैट इज सिमिली. सो सिमिली बेसिकली क्या है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन. अब जब भी आप कंपैरिजन करोगे, दो लोगों के बीच में आप कंपेयर करोगे, आप तुलना करोगे, तो आप यूज करते हो सिमिली का. अब सिमिली में आप वर्ड्स यूज करते हो लाइक और एज. मतलब जब भी आप कंपैरिजन करोगे दो चीज़ों के बीच में, तो आप या तो वर्ड यूज करोगे लाइक, या फिर यूज करते हो एज. तो बहुत इजीली आप पता लगा सकते हो कि लिटररी डिवाइस आपसे जो है कौन सा यूज हुआ है और किस लिटररी डिवाइस की बात हो रही है. देयरफॉर एक डायरेक्ट कंपैरिजन है. एंड फॉर एग्जांपल आप देखो, यू वर एज ब्रेव एज अ लायन. मतलब तुम उतने बहादुर हो जितना एक लायन बहादुर है. तो देखो बीच में यूज हुआ एज. तो दिस इज सिमिली. दे फॉट लाइक कैट एंड डॉग्स. मतलब उन्होंने लड़ाई की कुत्ते और बिल्लियों की तरह. तो उन्होंने लड़ाई की कुत्ते और बिल्लियों की तरह, बीच में हम यूज कर रहे हैं लाइक. तो जब हम कंपैरिजन करेंगे लाइक और एज का यूज करके, तो हम सिमिली की बात कर रहे हैं. आई गेस बहुत सिंपल सा डिवाइस है, बिल्कुल बेसिक क्लास से शुरू हो जाता है सिमिली जो है. सेवन्थ स्टैंडर्ड में आप देखो, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ और आगे आप इलेवेंथ ट्वेल्थ में देखो, तो सेवन्थ स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं सिमिली को पढ़ाना. तो सिमिली में बेसिकली कंपैरिजन की बात करते हैं और वर्ड्स लाइक और एज का यूज होता है. थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में. तो सिमिली की जब बात होती है, तो कंपैरिजन होता है लाइक और एज का यूज होता है. अब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, जब भी हम तुलना करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तो या तो हम दो लोगों में करते हैं, दो चीज़ों में करते हैं, या दो से ज़्यादा में करते हैं. तो एक बात देखो, ये गर्ल है और ये एक सन है. अब गर्ल की देखो, हमने लिखा ब्लू आइज है, हेयर ब्लॉन्ड है और स्माइल बहुत ब्राइट है. वही दूसरी तरफ लिखा कि जो सन है वो राउंड है, येलो कलर का है और बड़ा ब्राइट है. तो एक जैसे मैचिंग एडजेक्टिव्स जब आप यूज करोगे एज और लाइक का यूज करके, तो आप यूज कर रहे हो सिमिली. तो किसी भी पोएम में अगर आपको पूछा जाता है लिटररी डिवाइस जहां कंपैरिजन हो रहा होता है, तो कौन सा लिटररी डिवाइस मार्क करना है आपको? सिमिली. देखो, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन. तो उसकी स्माइल इतनी ब्राइट है जैसे कि सन ब्राइट है, यूज हो गया एज का. हर स्माइल इज ब्राइट लाइक द सन, यहाँ पर भी यूज हो गया लाइक का, और स्माइल का कंपैरिजन भी हो गया. तो इस तरह से हम यूज करते हैं सिमिली. आई गेस ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बहुत बेसिक सा लिटररी डिवाइस है, बहुत इजी है.
सेकेंड लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं जो है मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? देखो मेटाफर जो है वो भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर आप दो चीज़ों के बीच की रिजेंबलेंस बताओगे, लेकिन जहाँ आप सिमिली के बीच में जो है दो चीज़ों में लाइक और एज यूज़ कर रहे थे, मेटाफर में आप लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं करते कंपैरिजन में। जैसे यहाँ बोला ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, मतलब पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। क्या सच्ची में पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है? ऐसा तो नहीं है, बट हम बोलते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है जहाँ मेन और वुमेन आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और मर जाते हैं। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी मेन और वुमेन जो हैं वो प्लेयर्स हैं। तो ये होता है मेटाफर। अब एक आपको और सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पर एक बच्चा है जो स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ मैं कह रही हूँ लाइफ इज कर्ली स्लाइड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ठीक है, लाइफ इज कर्ली स्लाइड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। हम कह रहे हैं लाइफ क्या है? एक स्लाइड है। जैसे बच्चा स्लाइड कर रहा है, जैसे बच्चा स्लाइडिंग कर रहा है, तो हम कह रहे हैं लाइफ भी एक स्लाइड है। लाइफ एक झूले की तरह है जो ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। क्या सही में लाइफ एक झूले की तरह है? अब हम इसमें कह तो रहे हैं कि लाइफ झूले की तरह है, बट हम वर्ड एज और लाइक का यूज नहीं करते। मतलब आप कंपैरिजन तो करोगे लेकिन वर्ड्स का यूज लाइक और एज का नहीं करोगे, ठीक है। तो ये होता है मेटाफर। अच्छा, इसके बाद हम अपना अगला लिटरेरी डिवाइस देखते हैं जो कि है अलिटरेशन। अब अलिटरेशन क्या है? अब देखो एक एग्जांपल देखो, अ रीलिंग रोड, अ रोलिंग रोड, द रैम्बल्स राउंड द शायर। अब इस एग्जांपल में आप देखो जो वर्ड है, जो साउंड है, वो रिपीट हो रही है बार बार। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, स्पेशली वर्ड्स की बिगनिंग में, उसे हम कहते हैं अलिटरेशन। जैसे रीलिंग रोड में आर, और रोलिंग रोड में आर, देन अगेन आर, दैट रैम्बल्स राउंड द शायर में फिर से रैम्बल्स में आर, और राउंड द शायर में फिर से आर। एग्जाम्पल टू में कहा हैज गिवन माई हार्ट, तो हैज में एच ओ की साउंड दोबारा जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो, स्पेशली स्टार्टिंग में, वर्ड्स के बिगनिंग में, उसे बोला जाता है अलिटरेशन। तो देखो ये कॉन्सोनेंट साउंड थी यहाँ पे, ठीक है, एच साउंड का रिपीट होना जो कि एक कॉन्सोनेंट है और बिगनिंग में ही रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड एज अलिटरेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये सेवन सिस्टर्स हैं, ठीक है, साराज सेवन सिस्टर्स लाइक टू सिंग। सी साराज सेवन सिस्टर्स लाइक टू सिंग। अब यहाँ हम किस क्या बात कर रहे हैं कि सारा की जो सातों बहनें हैं वो गाना गाना पसंद करती हैं। तो सारा में एस, फिर सेवन में फिर से एस, कॉन्सोनेंट साउंड है एस, एस इज अ कॉन्सोनेंट, सिस्टर्स में फिर से एस का रिपीट होना, और सिंग में फिर से एस का रिपीट होना, स का रिपीट होना। तो ये जो साउंड आपकी, कॉन्सोनेंट साउंड जो आपकी रिपीट हो रही है, या ये जो आप एस 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 जो हमने अब मार्क कर रखा है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स का रिपीटेशन है स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग ऑफ वर्ड्स में ही, दैट इज कॉल्ड एज अलिटरेशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस वी हैव हाइपरबोल। अब हाइपरबोल क्या होता है? देखो हाइपरबोल क्या होता है? बेसिकली एग्जैजरेशन, मतलब जब आप बढ़ा चढ़ा कर किसी स्टेटमेंट को बोलते हो, दैट इज वी कैन यूज टू स्ट्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग बट नॉट लिटरली। जैसे हाइपरबोल मीन्स जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलो। आई वॉज सो कोल्ड, आई सो पॉलर बियर्स डांसिंग इन द नाइट स्काई, मतलब मैं इतना ज़्यादा ठंडा पड़ गया था कि मुझे रात में पोलर बियर्स डांस करते हुए दिखे। तो कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। जैसे तुम अपने दोस्तों के सामने किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, ठीक है, वही चीज़ है ये हाइपरबोल। शी इज़ एज स्किनी एज अ टूथपिक, मतलब जितनी टूथपिक पतली होती है वो उतनी ही पतली है। क्या सही में कोई इतना पतला हो सकता है जितनी टूथपिक पतली है?
तो इस तरह से जब आप बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर बोल। ओके, एक बार एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई गेस और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो अब ये लड़की यार रो रही है, ठीक है, तो शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक। क्या सीरियसली कोई रो कर जो है इतना पानी इकट्ठा कर सकता है एक लेक बन जाए? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इतना रोए कि एक लेक बन जाए। तो इतना ज़्यादा जब बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपरबोल। अब तुम बोलोगे कि ये सारी जो लिटररी डिवाइसेस है ये क्यों पढ़ाई जाती है? अब देखो, ये लिटररी डिवाइसेस आपको इसलिए पढ़ाई जाती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो आपके लिटरेचर के अंदर जो पोएम्स होती हैं, जो टेक्स्ट है, उसको और ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन लिटररी डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। अगर टेक्स्ट कितना प्लेन और सिंपल चलता जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब जब कोई पोएम पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि किस तरह से इनका यूज़ होता है और किस तरह से एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स कोई पोएट अपनी जो है टेक्स्ट में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो पोएट जो अपनी पोएम में डिस्क्राइब करता है तो वो इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि उसके अंदर लिटररी डिवाइसेस का यूज़ होता है। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप बीए के एग्जाम्स लिख रहे हो, एमए के एग्जाम्स लिख रहे हो, तो दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस एंड फिक्स्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक। अब देखो फिफ्थ लिटररी डिवाइस जो कि है एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या है? Assonance take place when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sounds. Assonance में क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा words जो एक दूसरे के बहुत close है repeat करते हैं same vowel sound से but start वो different consonant sound से होते हैं। See, men sells the wedding bells. Men sells the wedding bells. अब ई साउंड जो रिपीट हो रही है, सेल बेल्स, तो ये ई साउंड जो यहाँ रिपीट हो रही है ये कितना ज्यादा म्यूजिकल एलिमेंट ऐड कर रही है तुम्हारी स्टेटमेंट में। मेन सेल्स द वेडिंग बेल्स, सॉरी एक जो एग्जांपल है वो रिपीट हो गया है, तो ई साउंड जो रिपीट हो रही है वो क्या कर रही है, साउंड को सॉफ्ट और म्यूजिकल बना रही है। तो वही उसने कहा जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो रिपीट करे सेम वॉवल साउंड को, जैसे सेल और बेल, सेम वॉवल साउंड रिपीट हुई बट ये स्टार्ट हुए डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है एस से और ये हो रहा है बी से, तो इनमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो डिफरेंट है लेकिन ये वर्ड इतने क्लोज है एक दूसरे के कि इनके अंदर जो रिपीटेशन हो रही है वॉवल की वो सेम हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज एसोनेंस। तो आई गेस फाइव लिटररी डिवाइसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, मूविंग टू द सिक्स्थ लिटररी डिवाइस वी हैव रिपीटेशन। अब रिपीटेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस नॉट ओनली सर्व टू एम्फसाइज द मीनिंग बट ऑफन ऑल्सो टू इंक्रीज द म्यूजिकल इफेक्ट ऑफ अ पोएम। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो कह रहे हैं रिपीटेशन में क्या होता है कि किसी भी मीनिंग को जो है, मतलब सिर्फ आपको मीनिंग पे नहीं एम्फसाइज करना बट पोएम के अंदर एक म्यूजिकल इफेक्ट भी इंक्रीज करना है। जैसे देखो यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, यू कैन डू इट, और फिर से रिपीट हो गया यू कैन डू इट, तो ये हो गया हमारा रिपीटेशन। यहां देखो सेकेंड एग्जाम्पल में, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो क्या रिपीट हुआ, वेरी देन अगेन वेरी, तो दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेशन, जहां पर एक म्यूजिकल इफेक्ट एड किया गया है एक पोएम के अंदर, ठीक। ओके, ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ लिटररी डिवाइस पे विच इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। सी, टॉकिंग अबाउट पर्सोनिफिकेशन, पर्सन, पर्सोनिफिकेशन में देखो क्या आ रहा है, पर्सन, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मीन्स जो लिविंग नहीं है, एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एज अ पर्सन, मतलब नॉन लिविंग को एज अ पर्सन दिखाओ, एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एज अ पर्सन, एंड उसको ह्यूमन ट्रेट्स की तरह दिखाओ, दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, रीटा हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम, मीन्स जैसे सपोज करो रीटा के सामने केक पड़ा है और रीटा क्या कह रही है कि रीटा को सुनाई दिया कि जो लास्ट पीस है पाई की या केक की उसका नाम बुला रही है। क्या तुमने देखा है कभी कि केक किसी पर्सन का नाम बोल के कहेगा कि राम तुम मुझे खा लो या श्याम तुम मुझे खा लो या रिया तुम मुझे खा लो? ऐसा नहीं होता।
तो वही चीज है कि कभी जब भी एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे यहाँ पाई की बात करी जो नॉन लिविंग है, उसको तुमने एज अ पर्सन दिखा दिया कि पाई तुम्हारा नाम बुला रही है, मतलब केक तुम्हारा नाम बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग. अब देखो येल का मतलब क्या होता है, चीखना चिल्लाना. अब मेरी अलार्म क्लॉक मुझ पर येलिंग करती है, मतलब चीखती है. नॉर्मली तो हमने ये सुना है कि पर्सन चीखते एक दूसरे पे, इंसान चीखते एक दूसरे पे, अलार्म क्लॉक तो नहीं चीखती. तो यहाँ पर जो अलार्म क्लॉक है उसको एक पर्सन की तरह दिखाया है कि वो भी चीख सकती है एक दूसरे पर्सन के ऊपर कि वो अपने बेड से जो है एवरी मॉर्निंग जो है जल्दी बाहर निकले. सो दिस इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. आई गेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इन केस स्टूडेंट्स कहीं पे भी डाउट आए, यू कैन आस्क मी, आई श्योरली एड्रेस योर डाउट्स. नाउ सी पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ये पिक्चर दिख रही है तुम्हें जहाँ पर जो कैंडल का फ्लेम है वो डांस कर रहा है. क्या सीरियसली कैंडल का फ्लेम डांस करता है? हैज एनीबडी सीन? आई गेस किसी ने नहीं देखा होगा कैंडल का फ्लेम डांस करते. बट हम बोलते हैं, मतलब जो पोएट्स होते हैं अपनी पोएट्रीज में लिखते हैं कि जो कैंडल का फ्लेम है वो डांस कर रहा है. बट नॉर्मली तो हमने ये सुना है कि पर्सन डांस करते हैं, मेन डांस करते हैं, वेमेन डांस करती है, बच्चे डांस करते हैं. तो यहाँ पर जो कैंडल का फ्लेम है एक इनएनिमेट चीज को, एक नॉन लिविंग चीज को एज अ पर्सन दिखाया है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द लिटररी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन. अगले पे चले. ओके, नेक्स्ट वी हैव पैराडॉक्स. अब देखो पैराडॉक्स क्या होता है. पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्रोडिक्ट इटसेल्फ. बस इतना बहुत है. पैराडॉक्स मीन्स एक स्टेटमेंट कॉन्ट्रोडिक्टरी हो. बट जितना आप डीप जाओगे हमें ये पता चलेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है एंड कॉन्ट्रोडिक्शन गेट्स रिजॉल्व और कॉन्ट्रोडिक्शन खत्म हो जाएगा. कैसे? एग्जाम्पल देखो. ट्रूथ इज हनी विच इज बिटर. अब जो सच है वो तो हनी है, मीठा है, और वो बहुत कड़वा है. तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया. पहले तो कह रहा है ट्रूथ हनी है, मीठा है, और फिर कह रहा है कि वो बिटर भी है. तो एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट करे, ठीक है, तो उसे बोला जाता है पैराडॉक्स. सी इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द चमेलियन. यू सी कि अगर कुछ भी नहीं है ट्री पे तो तुम्हें चमेलियन दिख रही है, राइट? तो यहां पर भी एक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई. तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स है तुम्हारी उनको बोला जाता है पैराडॉक्स. ओके, नेक्स्ट लिटररी डिवाइस देखते हैं. दैट इज ऑक्सीमोरॉन. सबसे इंपॉर्टेंट लिटररी डिवाइस. अगर आप वीडियो देख रहे हो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से 2 से लेके 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑक्सीमोरॉन पे. ऑक्सीमोरॉन बेसिकली क्या है? दो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स को जब आप लिखते हो that is called as oxymoron. For example, there was a love-hate relationship between the two neighboring states. अब इस statement में उसने क्या कहा कि दो neighboring states के बीच में कैसा relation है? Love का भी relation है और hate का भी relation है. दोनों एक दूसरे के opposite हैं, दोनों contradictory है, love, hate. ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ आपका love का भी relation और hate का भी relation हो? That is not possible ना. तो दो contradictory words जब लिखे जाते हैं that is called as oxymoron. सी एक और देखो. प्रोफेसर वॉज गिविंग अ लेक्चर ऑन वर्चुअल रियालिटी. अब प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था वर्चुअली, वर्चुअली अपने पीसी को यूज करके लेक्चर दे रहा है, आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा है. दूसरी तरफ उसने लिख दिया रियालिटी. अब दोनों वर्ड्स एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टरी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ना कि दोनों वर्ड एक साथ यूज हो जाए, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमोरॉन. सबसे ज़्यादा जो लिटररी डिवाइस यूज किया जाता है That is oxymoron. जब भी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो oxymoron से आपको 2 से 4 questions 100% देखने को मिलेंगे. Next literary device is the 10th literary device which is called as onomatopoeia. तो onomatopoeia में क्या होता है? Formation of a word from a sound associated with what is named. Okay. पहले हम इसके examples देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है. पहले इधर देखो ऑनोमेटोपिया में क्या है. देखो
वाटर, वाटर क्या करते हो आप अपने फेस पे स्प्लैश, अपने मुंह पे वाटर की क्या मारते हो, छींटे मारते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड अ स्प्लैश. एनिमल्स में पिग क्या करता है, ऑइंक, है ना. एयर, एयर जो है, जैसे आप हवा में ये बॉटल खोल रहे हो तो क्या साउंड आएगी, पॉप की. आप किसी के कानों में क्या करते हो, विस्पर करते हो, ठीक है. अब कोलिजन्स के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्लैप, मतलब जब आप कोई चीज़ कोलाइड करती है तो क्या यूज़ किया जाता है, वर्ड क्लैप. अब देखो ऑनोमेटोपिया, ये तो होगी साउंड्स जो ये चीज़ें क्रिएट करती हैं. अब आप देखो ऑनोमेटोपिया को. सी, जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा, बजिंग बी फ्लू अवे. अब बी तो बेसिकली बजिंग ही करती है ना, बी तो यही साउंड क्रिएट करती है, ऐसी साउंड आती है बी से. एक मधुमक्खी यही साउंड क्रिएट करती है, जब बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती है, आवाज़ सुनोगे तो यही सुनाई देगा तुम्हें, ऐसी आवाज़, है ना. तो जैसा, मतलब इसने ऊपर यही डेफिनेशन में कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विद इट. ये वर्ड बना तुम्हारा बजिंग, और ये वर्ड जो बना है ये बी से बना है ना, बी क्रिएट भी यही साउंड करती है. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑनोमेटोपिया. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नेक्स्ट देखो, द सैक फेल इन द रिवर विद अ स्प्लैश. अब एक जो छोटा सा जो पैकेट है या छोटा सा जो पोटली है वो गिर गई रिवर के अंदर विद अ स्प्लैश. अब द वाटर के अंदर तो स्प्लैश की साउंड होती है, वाटर को तो स्प्लैश ही किया जाता है, अभी तुम्हें मैंने बताया. तो ये होता है ऑनोमेटोपिया. तो जिस वर्ड को तुम फॉर्म कर रहे हो साउंड से, जिससे वो एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड एज ऑनोमेटोपिया. तो आई गेस क्लियर हो गया होगा. 11th देखते हैं, सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म में क्या है, सिंबोलिज्म इज यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडिया. सिंबोलिज्म से ही निकल रहा है सिंबल्स, ठीक है. सिंबल, सिंबोलिज्म इज यूज ऑफ सिंबल्स जिसमें आइडिया सिग्निफाई किए जाते हैं, एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग. सी, डेफिनेशन से पहले एग्जाम्पल्स पे आओ. अब देखो, इसने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि इन द पोएम फायर एंड आइस. अब फायर एंड आइस के अंदर फायर जो है वो एज अ सिंबल यूज की गई है एंगर का और ग्रीड का, ठीक है. फायर को यूज किया है सिंबल ऑफ एंगर, मतलब अगर किसी को गुस्सा आता है तो हम कहते हैं क्यों आग की तरह जो है तुम बिल्कुल लाल हो गए हो, है ना. तो फायर को यूज किया एज अ सिंबल ऑफ एंगर एंड ग्रीड, और आइस को यूज किया एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड. तो यही ये चीज यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम सिंबल्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइस सिंबोलिज्म. जैसे कह रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में पोएम ने यूज किए 3 सिंबल्स, क्रो, हेमलॉक ट्री एंड अ डस्ट ऑफ स्नो, और तीनों सिंबल्स एसोसिएटेड है सौरों के साथ, ठीक. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल डव सिंबल है पीस का, चेन्स सिंबल है इम्प्रिजनमेंट का, कि अगर किसी के हाथों में हम चेन्स देखते हैं, हथकड़ियाँ देखते हैं, तो मीन्स उसको अरेस्ट कर लिया गया है. कोई क्रॉस देखते हो तो वो सिंबल है क्रिश्चियनिटी का, कि वो क्रिश्चियन होगा. अगर कोई तिरंगा देखता है तो वो सिंबल है पेट्रियोटिज्म का. अगर रेड कलर देखा जाता है तो वो सिंबल है पैशन का, ब्लड का या वॉयलेंस का. अगर स्प्रिंग सीजन देखते हैं तो हम कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स हुई है या बर्थ है. और अगर हम एक लैम्ब को देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत जेंटल और इनोसेंट है. तो ये सारे सिंबल्स हैं. अब आप देखो सिंबोलिज्म को, तो सिंबोलिज्म में क्या कह रहा है कि जब हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं आइडियाज या क्वालिटीज़ को बताने के लिए, जो उनके लिटरल मीनिंग से, जो उनके एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सिंबोलिज्म. तो आई गेस इट्स क्लियर टू यू. चले लास्ट लिटरेरी डिवाइस पे. ओके, सो द लास्ट लिटरेरी डिवाइस वी हैव इज एनाफोरा. अब एनाफोरा में क्या होता है, Anaphora is a poetic device in which word or a group of word is repeatedly, is used repeatedly at beginning of sentences or clauses to create special effect or to emphasize something. अब कह रहे हैं ऐसा poetic device या ऐसे group of words जो sentence की beginning में ही use हो जाते हैं, ताकि वो एक special effect डाल सके sentence में, या किसी चीज के ऊपर जोर दे सके, emphasize कर सके, that is called as anaphora. For example, Some say the world will end in fire, some say in ice. अब कितना स्ट्रेस आ गया इस वर्ड के ऊपर, कि कुछ कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इट विल एंड इन फायर, और कुछ कहते हैं इट विल एंड इन आइस. एग्जाम्पल्स और देखो,
आई एम अ फेदर ऑन ब्राइट स्काई. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आई एम अ फेदर मतलब मैं इस ब्राइट स्काई में क्या हूँ, एक पंख हूँ, एक फेदर हूँ. तो स्टार्टिंग में ही ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज कर लिया जहां पर वो एम्फोसाइज डाल रहा है अपने ऊपर कि मैं एक फेदर हूँ. आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन. अब मैं एक नीला घोड़ा हूँ जो इस प्लेन में रन कर रहा हूँ, राइट. आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वॉटर. आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड. तो स्टार्टिंग में ही ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज कर दिया गया है जो एक स्पेशल इफेक्ट डाल रही है किसी चीज को एम्फोसाइज करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लास्ट लिटरेरी डिवाइस. आई गेस आपको लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे. इन केस यू फेस डाउट्स, डू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर द चैनल्स, डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास. और अगर आपको किसी स्पेशल क्लास की ज़रूरत हो या कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 9th टू 12th के, या आप किसी भी क्लास में जो है पढ़ते हो और इधर यू आर डूइंग योर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, और या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. जिस भी इंग्लिश के टॉपिक में आपको डाउट है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू यू.